अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट कंप्यूटर। ओके, वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन लास्ट सेशन। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर पॉइंट्स वेयर कंप्यूटर इज यूज्ड। ओके, so let's start today's session. Uses of computer. In last sessions we have discussed computer ka use kahan kahan pe hota hai, barabar hai, jaise ki schools, shops and offices, home, banks, hospitals, ये सब जगह पे कंप्यूटर का यूज होता है, कहाँ पे होता है, किस किस जगह पे होता है, किस किस तरह से होता है, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस के कंप्यूटर का यूज कहीं और कहाँ कहाँ पे हो रहा है, जो लास्ट अपने डिस्कस किया था उसके अलावा। तो फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। आप लोगों को पता ही है कि आज तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो टिकट बुकिंग सबसे पहला जो रहता है रेलवे स्टेशन पे भी और एयरपोर्ट पे भी, तो टिकट बुकिंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर्स कनेक्ट्स बिग रेलवे स्टेशन ऑल ओवर द कंट्री। एट रेलवे स्टेशंस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू बुक और कैंसिल टिकट्स। फॉर टिकट बुकिंग एंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द टिकट कंप्यूटर्स आर यूज्ड। दे स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक ट्रेन नंबर, डेट ऑफ ट्रैवल, डेस्टिनेशन एंड डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर्स। रेलवे सिग्नल्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो अपनों ने देखा कि टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन ऑफ टिकट, उसके अलावा भी आजकल ट्रेन भी क्या है, उनको जो सिग्नल दिए जा रहे हैं कि कौन सा रूट सही है, अभी आपको वहां पे रुकना है, जो सिग्नल्स रहते हैं, जो लाइट भी रहती है, वो सब कंप्यूटराइज हो चुका है। मीन्स उनको सारे के सारे सिग्नल भी कंप्यूटर से ही मिलते हैं। तो ये भी एक हो गया। और दूसरी जो है, जितनी भी पैसेंजर्स की डिटेल रहती है वो भी कंप्यूटर्स में सेव की जाती है, जिनकी टिकट बुक हुई है, क्यू में कौन है, अगर कोई कैंसिल होगा तो किसकी पहले, वेटिंग वालों में से किसको पहले देना है, ये सब एक सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिससे क्या है कि वो सब मैनेज किया जाता है। तो ये सब कंप्यूटराइज है। सेकंड थिंग एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का यूज किस तरीके से हो रहा है, तो एट एयरपोर्ट्स कंप्यूटर आर यूज्ड टू मॉनिटर द एयर ट्रैफिक। ओके, जिस तरीके से रोड्स पे अपने टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर लेके निकलते हैं तो वहां पे ट्रैफिक रहती है, उसी तरीके से एयर ट्रैफिक का भी जो पूरा मसला रहता है कि कितनी फ्लाइट्स आ रही है, कौन सा रूट दिया जा रहा है, तो क्या है कि एट अ टाइम वहां पे ट्रैफिक ना हो जाए, और अगर वहां पे ट्रैफिक होती है तो क्या है कि क्रैश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसको भी हैंडल किया जाता है कंप्यूटर से। दे हेल्प पायलट्स टू टेक ऑफ और लैंड एयरक्राफ्ट। इन एयरलाइंस ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू बुक और कैंसिल टिकट्स। तो एयरलाइन की जो टिकट्स भी रहती है वो भी अपने ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बराबर कंफर्मेशन भी लिया जा सकता है उसका। जो ट्रैफिक का मसला है वो भी कंप्यूटराइज से सॉल्व किया जा सकता है। वहाँ पे आपको जो पायलट्स रहता है वहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन लगा होता है, ये जिससे क्या है आपको वहाँ पे इंडिकेटर बताए जाते हैं कि आगे रूट क्या है, आगे क्या क्लियर है, आगे क्या हो सकता है, बराबर। तो ये सब चीजें कंप्यूटराइज है। नंबर 7, कंप्यूटर्स इन एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर आर यूज टू प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, प्रिपेयर एनिमेशन फिल्म्स एंड इवन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स यूजिंग प्रोग्राम लाइक पेंट। तो मेरे को लगता है कि आज के टाइम में, इन टूडेज वर्ल्ड और इन टूडेज टाइम, कंप्यूटर आर यूज फॉर मेनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। क्योंकि आप जितने भी देखोगे, जो भी छोटे से लेके बड़ों को, सबके पास मोबाइल तो रहता ही है। मोबाइल एक क्या है, छोटा सा कंप्यूटर भी अपने बोल सकते हैं, जो टेबलेट हो गए, या उसके अलावा जो छोटे से कंप्यूटर जो मोबाइल्स रहते हैं जिसमें मेमोरी भी ज्यादा भरा दी गई है, तो क्या गेम्स खेल सकते हो आप इन फ्री टाइम। यू कैन लिसन म्यूजिक्स, प्ले मूवीज, ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये सब इंटरटेनमेंट के कैटेगरी में आएगा, बराबर है, खास करके गेम्स, म्यूजिक, मूवीज, तो ये सब इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है। तो इसको आप एज ए इंटरटेनमेंट पर्पस सबसे ज्यादा यूज कंप्यूटर का इसीलिए किया जा रहा है। कंप्यूटर्स इन कम्युनिकेशंस। टुडे कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज इन कम्युनिकेशंस। वॉइस, इमेजेस, मूवीज एंड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड through computers. The internet, which is a large network of computer, is used to collect information on any subject from anywhere in the world. तो communication क्या है कि दो माध्यम या दो जन के बीच में बातें, जो बातचीत हो रही है,
बराबर है। इसी तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन में बहुत सारे मीडियम आ जाते हैं, जैसे कि टेलीविजन इज ऑल्सो वन मीडियम, न्यूज इज ऑल्सो वन मीडियम, मूवी इज ऑल्सो वन मीडियम, ओके। और कुछ कंपनीज रहती है जो सर्वे भी करती है, तो वो भी एक मीडियम रहता है। तो टुडे कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेशंस, वॉइस, इमेजेस, मूवीज एंड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंप्यूटर्स। इंटरनेट, इंटरनेट से क्या दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है, आप एक दुनिया में से एक खूने में बैठ के दूसरे खूने में अपने बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बराबर है, एक दूसरे की पूरी जानकारी रख सकते हैं। तो क्या इंटरनेट ने दुनिया को इतनी छोटी कर दिया है, और ये सब की पॉसिबल हुआ है कंप्यूटर्स और इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट विच इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। ईमेल इज यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन अ फ्यू सेकंड एनी वेयर इन द वर्ल्ड, बराबर है। ईमेल जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो और मैसेजेस मिल भी सकते हैं आपको, रिसीव भी कर सकते हो इन अ फ्यू सेकंड्स, बराबर है। आपने जैसे क्या विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपका मैसेज वहां पे चला जाएगा। और आजकल तो अपने जो लेटेस्ट जो टाइम चल रहा है उसमें तो एप्लीकेशन इस तरीके से बन चुकी है, जैसे कि व्हाट्सअप हो गए, फेसबुक हो गया, बराबर है, जहाँ पे आप विद इन सेकंड आपने जैसे ही सेंड किया वहां पे मिल भी किया, और मिला नहीं मिला वो भी अपनों को पता चल जा रहा है टिक मार्क से। कॉलिंग हो गई, वीडियो कॉलिंग आ चुकी है, वॉइस कॉलिंग आ चुकी है। तो ये सब फीचर्स क्या है जिससे दुनिया को आसानी से अपनों ने अभी कंप्यूटर्स के जरिए और कम्युनिकेशंस के जरिए अपनों ने एकदम से नजीक आ चुके हैं। कोई कोई दुनिया इतनी बड़ी लगती ही नहीं है जिससे क्या है कम्युनिकेशंस के जरिए आसान हो चुका है। कंप्यूटर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू डिजाइन एंड लॉन्च सैटेलाइट एंड रॉकेट्स। मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट्स इज आल्सो कंट्रोल एंड मॉनिटर बाय कंप्यूटर्स, ओके। तो अपने जो सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं, बराबर है, या रॉकेट्स जो भी लॉन्च हो रहे हैं, तो ये सब तो कंप्यूटराइज है ही है, लेकिन जब वो स्पेस में जा रहे हैं तो उनकी पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करना, जो रिकॉर्डिंग रहना, वो वहां से रिकॉर्ड हो रहा है उसको यहाँ पे अपने को दिखाना, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सब चीजें किस तरीके से होती है, कंट्रोल कंप्यूटर के जरिए की जाती है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू डिफेंस, यूज्ड इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। रॉकेट्स एंड मिसाइल्स आर डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ओके। तो ये जो मिसाइल्स रहती है बड़ी बड़ी, जो जब लड़ाई वॉर होता है तो उसमें भी ये यूज किया जाता है, तो उसको पूरा कंट्रोल करना, पूरा डिजाइन करना, उसको मैन्युफैक्चर से लेके ऑपरेट करने तक सब कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज इन वेदर फोरकास्टिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड फोरकास्टिंग डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। तो ये एक सुपर कंप्यूटर के काम में आता है, वेदर फोरकास्ट करना, भाई बारिश कब होगी, बराबर है, आज टाइड है, भर्ती आने वाली है, समुद्र में जाना है कि नहीं जाना है, वो जो नोटिसें भी आती है कि मछुआरों को आज नहीं जाना है, बारिश बहुत ज्यादा होने के चांस रहते हैं, तूफान आने के चांस रहते हैं, बराबर है, ये आप लोग को पता ही होता है कि आगे से एक दो दिन पहले फोरकास्ट कर दिया जाता है। तो ये सब किस चीज तरीके से होता है, तो कि इसके लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो ये सब चीजें वो फोरकास्ट करते हैं, बराबर है। तो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज फॉर दिस पर्पस आल्सो। लास्ट वन इज अदर यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। Electricity companies and telephone department use computers to prepare the bill. बराबर है, बिल प्रिपेयर करने के लिए, जनरेट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन, गैस बिल हो गया अभी, तो वो सब जनरेट करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट एंड पब्लिश बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। उसके अलावा न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स सबको पब्लिश करके छप के, बराबर, प्रिंट करने के लिए, और एक बार उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है तो एट एनी टाइम अपने उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, बराबर, तो उसके लिए बड़े बड़े पब्लिकेशन होते हैं, तो ये सब सेव किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसके जरिए प्रिंट भी निकाली जाती है। तो ये सब अपनों ने आज देख, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 5। और साथ ही में अपनों ने इसके जो कंप्यूटर आपके जो है यूजेज ऑफ कंप्यूटर, उसके टोटली 10 जो सेक्शन दिए गए थे, स्कूल, शॉप एंड ऑफिस, होम, बैंक, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर्स, ये सब अपनों ने डिस्कस कर लिए। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मैसेज करके पूछ सकता है, ओके। तो टेक केयर, गुड बाय।